देश की लाइफ लाइन माने जाने वाली इंडियन रेलवे की तमाम पैसेंजर गाड़ियां इस समय हम कह सकते हैं पहली दफा अपने इतिहास में थमी खड़ी हुई हैं, और ये सब हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन रेलवे अभी भी 24 घंटे काम करती है, तो यहाँ पर ऐसा क्यों है ये कहा जा सकता है, क्योंकि रेलवे की जो मालगाड़ियां हैं लगातार चल रही हैं, डेडिकेटेड जो स्टाफ है वो लगातार काम कर रहा है, 24 घंटे काम किया जा रहा है, क्योंकि स्टेशन हो या हम कह सकते हैं मालगाड़ियां जहाँ से सामान उतारा जाता है, तो कहीं ना कहीं पूरे देश भर के अंदर एसेंशियल कमोडिटीज की जो सप्लाई है उसको लगातार बरकरार रखने के लिए रेलवे के कर्मचारी 24 घंटे काम कर रहे हैं। जब हम रेलवे की बात करते हैं तो लोगों के जहन में सिर्फ और सिर्फ रेलगाड़ियां आती हैं, लेकिन रेलवे की जो कमाई होती है वो मालगाड़ियों से होती है, और मालगाड़ियां अभी भी चल रही हैं। मालगाड़ियां चल रही हैं तो इसका मतलब हुआ ट्रैक भी दुरुस्त रखना है, तो तमाम वो स्टाफ जो ट्रैक का काम करते हैं, ट्रैकमैन, साथ ही साथ कंट्रोल रूम, उन सब जगहों पर बैठे हुए लगातार लोग काम कर रहे हैं, और तमाम चीज़ें इसमें ऑनलाइन मोड में भी की गई हैं। साथ ही साथ जो रेल कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, दूसरे जो बेनिफिट हैं वो भी समय पर पहुंचते रहें, तो कुछ कर्मचारियों को ऑफिस में बैठकर भी काम करना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम कर्मचारी पूरी कोशिश किए हुए हैं। यहाँ पर कहीं कई जगहों पर हम कह सकते हैं कि जो मरम्मत का काम है वो भी चल रहा है, और इस तरीके से 2400 घंटे काम करके रेलवे कर्मचारी इस संकट की घड़ी में पूरा फोकस किए हुए हैं, और रेलवे ने वो काम भी किए हैं जिन कामों के लिए रेलवे नहीं जानी जाती है। अगर हम संकट की बात करें तो इस समय तमाम जो फील्ड स्टाफ है वो काम कर रहा है, ट्रैकमैन काम कर रहे हैं, और जो रेल पटरी है वो सुरक्षित चल रही है, नहीं चल रही है, उस पर पूरी कोशिश की जा रही है। सफाई कर्मचारियों की बात करें, हाउसकीपिंग के लोगों की बात करें, तो कोरोना वायरस को भगाने में वो पूरी अपनी दम लगाए हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रेलवे ने वो काम भी किए हैं जो उसको नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें तो रेलवे से एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो आइसोलेशन वार्ड बनाएगी, लेकिन रेलवे ने वो कर दिखाया है जो दूसरे नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम लोगों की जाँच की जा रही है, और साथ ही साथ पीपीई किट भी बनाई है रेलवे ने, रेलवे ने मास्क बनाकर भी दिए हैं। तो रेलवे हम कह सकते हैं देश की सेवा में वो तमाम काम कर रही है जो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। और इसके अलावा हम कह सकते हैं 10 लाख से ज़्यादा लोगों को रेलवे ने यानी उनके जो लोग हैं IRCTC, RPF, इन सब ने मिलकर खाना भी खिलाया, तो मतलब भूखों को खाना भी खिला रहे हैं, साथ ही साथ देश में एसेंशियल कमोडिटीज़ की कमी ना पड़े उसके लिए दिन रात लगकर काम कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय रेलवे ने दिखाया है कि वो चैम्पियन है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में भारतीय रेलवे ने जो कर दिखाया है वो अद्वितीय है, और आने वाले दिनों में इसको पूरा देश याद रखेगा।